नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। 7 सालों के इंतजार के बाद अब शुरू हुए चुनावी दंगल में आपकी बार किसकी सरकार। ग्राम पंचायत महरा गांव में चुनाव को लेकर काफी उत्साह और जागरूकता देखने को मिल रही है। विगत साल सप्ताह बाद दोबारा चुनाव के शंखनाद के बाद कहीं युवाओं की टोली तो कहीं बुजुर्गों के साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे प्रत्याशी। वहीं पंच से लेकर सरपंच और सरपंच से लेकर जनपद सदस्य प्रत्याशियों के समर्थकों में भारी उत्साह है। सबको इंतजार है 8 जुलाई का। वहीं पिछले 12 वर्षों से सरपंच की कुर्सी पर बैठे सरपंच जितेंद्र पटेल जो फिलहाल प्रत्याशी हैं, वो भी अपने समर्थकों के साथ घर घर पहुंचकर वोट मांग रहे हैं, जिसके चलते किसी ने बनाया महाराज तो कुछ रहे नाराज। ग्रामवासियों ने जनसंपर्क कर रहे प्रत्याशी जितेंद्र पटेल का फूलमालाओं से स्वागत ही नहीं अग्रिम बधाई शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं कुछ लोगों ने सफाई व्यवस्था और राशन कार्ड और जल भराव जैसी समस्याओं को सामने रखकर नाराजगी जताई है, वोट देने से भी इनकार किया। अब देखना यह है कि किसका पल्ला भारी है, आपकी बार किसकी है सरपंच की बारी। लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ पुलिस वाला न्यूज। यहाँ क्या किया क्या हाँ। नहीं किया, ठीक है हाँ। आप यहाँ कितने मेरा साल क्या होगा भैया, मेरा कोई राशन कार्ड बना, मेरा कोई मिली मेरे को आप नहीं मिली कैटेगरी में आते नहीं आते, ये आपको मालूम होगा। क्यों नहीं आते हम कैटेगरी में, तो फिर क्यों नहीं मना? मेरे पिताजी ने मकान बना दिया, आपने बोला कि आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। मैंने कब बोला ये बात? आपने बोला, हम गए वहाँ पे हमारा राशन कार्ड बना क्या मिले भाई? मैंने नहीं बोला ऐसा, कोई सुविधा मिली क्या मेरे को? अरे मैंने बोला क्या राशन कार्ड नहीं बनेगा? एक मिनट सर, मेरा भी नहीं बनेगा, फिर मोहल्ले का भी नहीं बनेगा। स्लिप भी नहीं बनेगा मेरा, स्लिप भी नहीं बनेगा, स्लिप भी नहीं बनेगा। समग्र आईडी में लड़ाई है, अभी हमारा बनेगा। बड़े भाई हमारे यहाँ देखो समस्या है, पिछले बार आप बोले थे कि सफाई होगी, गाड़ी आएगी, कहाँ तक आई अभी तक गाड़ी आई क्या? पिछली बार मतलब कब? आप चुनाव जीते थे जब, आपने बोला था। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला पिछली बार गाड़ी आई। मैंने नहीं, गाड़ी का, गाड़ी का बोल रहा है, आपने बोला था गाड़ी का, नहीं गाड़ी का नहीं बोला, मेरी बात सुनो, बोलो बोलो, गाड़ी बोले बोला, गाड़ी का नहीं बोला मैंने, अभी बोला गाड़ी, अपन ने परमिशन लिया, गाड़ी अपने पास आ रही है। नहीं अरे बड़े भाई पहले, अरे यार इतना भी कानून तो सुना है यार, हुई यार अरे नहीं अब सुनो, आपने बोला था गाड़ी सफाई के लिए आएगी, सुनो ये देखिए, ये इधर पे रोजाना मैं 1.5 घंटे सफाई करता हूँ, ये देखो इधर आओ राजा भाई, ये गंदगी की पहले वीडियो लो, है ना, 1.5 घंटे मैं सफाई करता हूँ इधर पे, हेलो रोजाना और पूरा रोजाना हम लोग सफाई करते हैं। इसकी समस्या का समाधान ये बात करने से नहीं होगा, समस्या का समाधान क्या है, जब तक कचरा गाड़ी डोर टू डोर वाले अपने को नहीं मिलेगी, ये तो मगर से दूर नहीं होगी सर, कृपया बिना फेंके तो फेंक। अरे तो कचरा फेंकता कौन नहीं है फिर, ये बताओ बोलने का अधिकार है, एक जगह कचरा क्यों फेंक रहे, कचरा को देखते हैं तो बोलने का अधिकार है, नहीं तो यहां नहीं सुनाई होगा, कोई नहीं सुनेगा भैया। जो हमारे कचरा डाले तो कहाँ डाले, क्या है ना, मैं किस से लड़ूंगा यार बार बार।